हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अर्चना राय ब्लॉग में। और अभी अभी बजे हैं 5:56, यहाँ आपको दिख रहा होगा। शाम का टाइम हो गया है, चाय का टाइम। सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, तो चलिए हम चाय बनाने चलते हैं, वो भी गुड़ की चाय जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो बस मैं अभी गुड़ की गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ, मैं अपने लिए और अपने बेटे के लिए, जो कि देखिए ये लेटा हुआ है। तो बस अभी हम इसके लिए चाय, हम दोनों के लिए हम चाय बनाते हैं, उसके बाद हम लोग चाय पियेंगे। तो देखिए हमारी चाय बनकर रेडी हो गई है, और सर्दियों में तो चाय की बहुत ही ज़रूरत होती है। जो गर्मियों में नहीं भी पीता है वो भी सर्दियों में चाय पीने लगते हैं। तो बस चाय पीने के बाद, उसके बाद मैं करूँगी शाम के खाने की तैयारी, क्योंकि कितना 6:30 करीब बज गया है। अभी से तैयारी करेंगे तब जाके बनाएंगे 7-8 बजे तक। तो बस अभी मैं चाय पी के, और आज मैं खाने में क्या बनाने जा रही, आज मैं खाने में भरवा बैंगन की सब्जी बना रही हूँ। तो आज मैं आपके साथ भरवा बैंगन की सब्जी की रेसिपी शेयर करूँगी, और उसके साथ देखो क्या बनाती हूँ, रोटी बनाती हूँ या पराठे बनाती हूँ, जो भी बनाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो के साथ बने रहना। तो बस अभी मैं चाय पीने के बाद फिर भरवा बैंगन की सब्जी की तैयारी शुरू करते हैं। तो आप लोग भी चाय पीजिए और ब्लॉग के साथ बने रहिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने मसाले में क्या लिया है, प्याज, ये छोटा सा अदरक का टुकड़ा, लहसुन, काली मिर्च, लौंग, और ये 3-4 हरी मिर्च, इनको हम मिक्सर में पीस लेंगे। और यहाँ पर मैंने मसाले को पीस लिया है। और भरवा बैंगन के लिए हमें ऐसे छोटे बैंगन चाहिए होते हैं, छोटे बैंगन ज़्यादा अच्छे लगते हैं भरवा बैंगन में। तो इनका डंठल मैंने निकाल दिया है, क्योंकि मुझे डंठल पसंद नहीं है, और बहुत से लोग डंठल नहीं भी निकालते हैं। तो ये आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और आप देखिए इसमें हम इस तरीके से चाक लगा लेंगे, सॉरी इसमें मैंने गलती से उल्टी साइड लगा लिया, डंठल से नीचे की साइड लगाए जाते हैं, यहाँ पे डंठल होता है वहाँ पे नहीं लगाए जाते। देखिए इस साइड से चाक लगाया जाता है, चीरा लगाया जाता है, जिससे हम इसमें मसाला भरेंगे। और भरवा बैंगन में मसाला थोड़ा ज़्यादा बनाया जाता है, क्योंकि बैंगन में भी हमें मसाला भरना पड़ता है और सब्जी में भी मसाला थोड़ा रहना चाहिए। तो इसलिए मैंने कुछ मसाला पीस लिया है, कुछ मैंने वैसा प्याज काटी है। तो बस मैंने कढ़ाई में तेल डाला, हींग डाली, और उसके बाद जीरा, और कुछ मैंने बारीक प्याज काट के रखी थी, तो कुछ वो प्याज, और हरी मिर्ची मैंने पीस ली थी, और राई मैं पहले डालना भूल गई थी, तो फिर मैंने बाद में राई डाल दी और सौंफ डाल दी। तो भरवा बैंगन में राई और सौंफ का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप लोग इसको भी ऐड कर सकते हैं। और भरवा बैंगन बहुत से लोग मसाला निकाल कर बैंगन में भर के फिर से फ्राई करते हैं, मैं वैसे नहीं बनाती हूँ। मैं यहाँ पर देखिए प्याज लाल हो चुकी थी, तो मैंने यहाँ पर जो मसाला पीसा था उसको डाल दिया है प्याज को। और उसके बाद मैंने कुछ सूखे मसाले डाले हैं, हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्ची, और ये मैंने गरम मसाला डाला है। आप गरम मसाला कोई भी ले सकते हैं मार्केट का। और यहाँ पर 2 चम्मच के करीब मैंने धनिया पाउडर, उसके बाद थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ी मैंने हरी मिर्ची डाली थी, थोड़ी सी लाल मिर्ची, और बस अब इसको हम मसाला अच्छे से भूनेंगे, और इसको हम अच्छे से ढक के ढक देंगे करीब 10 मिनट के लिए, जिससे हमारा मसाला अच्छे से पक जाए और तेल छोड़ दे। तो बस अब मैं इसको रख दूँगी ढक के, और ढकने के बाद देखिए यहाँ पर मैंने 2 टमाटर काट के डाले थे। आप लोग पिसी खटाई भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने पिसी खटाई नहीं डाली थी, मैंने टमाटर डाले थे यहाँ पे। और टमाटर को पकने के लिए इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया था, और फिर इसको मिला के मैंने फिर से इसको 5 मिनट के लिए रख दिया था, जिससे कि टमाटर अच्छे से पक जाएँ। तो
उसके बाद अब मटर नहीं डाली जाती है, पर मटर मैंने इसलिए डाल दी क्योंकि मटर का सीजन भी चल रहा है और घर में अगर कोई बैंगन भरवा बैंगन नहीं खाता है तो हमारे यहाँ क्या होता है मसाला मसाला निकाल कर वो बच्चे खा लेते हैं, तो मटर मैंने ऐसे ही डाल दी थी। आप लोग चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, तो बस मैंने थोड़ी सी मटर रखी थी तो मटर भी डाल दी। तो मटर मसाला टमाटर सब कुछ अच्छे से भुन गया है और यहाँ पर देखिए मैं चम्मच की सहायता से बैगन में इस तरीके से मसाला भर दूँगी। मैं मसाले को अलग से निकाल कर बैगन में नहीं भरती हूँ कि अलग से निकाला और फिर बैगन में भरा फिर उससे दूसरी बार फ्राई करो, इसी मसाले को मैं बैगन में भी भर दूँगी और इसी मसाले में ही मेरी सब्जी भी बन जाएगी। तो बस मैंने ये मसाले में सारे भर दिए हैं और इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी जिससे कि जो मसाला अच्छे से नहीं भर पाया है तो पकते समय वो अच्छे से अंदर तक अच्छे से भर जाएगा। तो बस अब मैं इसे ढकने के बाद फिर मैंने 5 मिनट बाद इसे देखा तो देखिए हमारी सब्जी अच्छे से बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो गई थी और बैगन मुलायम हो गए थे तो सारे मसाले इसमें अच्छे से भर गए थे। तो बस आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं और दोबारा फ्राई करना हो तो आप वो भी वैसे भी कर सकते हैं लेकिन मुझे ये ज़्यादा बेस्ट लगता है। तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई थी, मैंने हरा धनिया डाल दिया है और देखिए सब्ज़ी हमारी बहुत अच्छी लग रही है। और यहाँ पर बनाते बनाते देखिए यहाँ पर खाना बन गया है, मैंने भरवा बैंगन की सब्ज़ी और बथुआ के पराठे बनाए हुए हैं और ऋषभ के पापा का खाने का टाइम हो गया था तो मैं पापड़ सेक रही थी तो बस मैंने कहा चलो पापड़ भी सेक दें। तो बस पापड़ सेकने के बाद मुझे सलाद भी काटने था पर मैं सलाद नहीं काट पाई जल्दी जल्दी में, बाद में काट दूंगी, मुझे वीडियो बनानी थी तो मैंने आप लोगों को दिखाया भरवा बैगन की सब्जी। ये देखिए मेरा खाना तैयार, ये देखिए भरवा बैगन की सब्जी, बथुआ के पराठे, पापड़ और सलाद भी मुझे काटना है। और रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।